ये आएगा वीडियो YouTube के ऊपर, दिखाई दे रहा है सारी जगह स्लश, टूटा रोड और अपन अकेले। तो सबसे बेस्ट तो यही होगा कि पैर रख रख के चले, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। कम से कम 3 लोग चाहिए अगर गिर गई तो। तो अभी कुछ बच्चे मिले थे हमें नेपाल के, ये सब स्कूल जाने की तैयारी में हैं, और अभी हंस खेल रहे थे, और अभी हंसना खेलना बस हमने बंद कर दिया, सभी मुस्कुरा रहे थे बहुत ज़्यादा। ये लो फिर से मुस्कुराने शुरू हो गए, कुछ तो मुंह छुपा रहे हैं। फाइनली सारे सामान की पैकिंग हो गई है, बाइक पे बैठ चुके हैं, गियर अप हो गया है, और इधर ये बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, बदमाश बच्चे जो सुबह से मजाक उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हंसी खेल कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। तो ये सब नेपाली में बात कर रहे हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो बस अब चलते हैं, बच्चों से क्या अटकी लिया करें। तो पहनते हेलमेट जल्दी से, चलो बच्चों सबको बाय बाय बाय। अरे क्या कह रहे भैया। यस ब्रो, हाय ब्रो, हेलो, कैसे हो? ठीक है, बढ़िया। फर्स्ट क्लास? हां फर्स्ट क्लास है। कहां से हो? मैं इंडिया, हरियाणा, रेवाड़ी। उधर से हो, ब्लॉगर हो? यस। क्या है तुम्हारा ब्लॉगर का चैनल का नाम? मंती जे। अब किधर जाने का है? मुक्तिनाथ। मैं सामान लेके इंडिया के भाई के। यस। अकेले राइड पे चल रहे हो? अकेले तो मजा आ जाएगा ना, अकेले राइड। अच्छा खाली है? हल्का ब्रेकफास्ट हो गया। ओके बाय बाय, हैंडशेक। यही तो फायदा है होटल के बजाय बाहर रहने में। यहाँ हम 9 बजे निकल गए हैं पैकिंग करके, और ये होटल में रहोगे ना 8-9 बजे तो आपका भाई साहब उठना होगा, फिर उसके बाद निकलते निकलते 10-11 बज जाएंगे। अभी अभी इधर हमारा चेक हुआ था वंसार मुक्तिनाथ के रास्ते पे। आज मैं रियल में राइड को एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब ज़बरदस्त कलर है इधर, हर चीज़ एक अलग ही चमक में दिखाई दे रही है। तो देख लो जी जनाब, ये रास्ता है मुक्तिनाथ के लिए, दिख रहा होगा आपको, भयंकर ऑफ रोड। भाई साहब जबर खतरनाक रास्ता है जी, वजह जबर। बस किस्मत से यही है, भगवान से यही है दुआ कि भैया सेफली पहुंचा देना, नहीं तो यही स्मृति बन जाएगी हमारी। और अभी हमें जाना है 106 किलोमीटर, सारा रास्ता ऐसा खतरनाक होने वाला है, 106 किलोमीटर का ऑफ रोड ही रहेगा। लो जी देख लो, ये है मुक्तिनाथ का रास्ता, दिखाई दे रहा है
सारी जगह स्लश, टूटा रोड और अपन अकेले गिरे भैया। तो ना तो बाइक उठनी है, किसी भी हाल में नहीं उठ सकती बाइक। जिस लगेज के साथ अपन चल रहे हैं ना, उस लगेज के साथ ये बाइक तो भाई साहब कम से कम 3 लोग चाहिए अगर गिर गई तो। अभी जो दो प्यारे प्यारे बच्चे मिले थे वो कह रहे थे क्यों घूमते हो, इतना क्यों किलोमीटर चलाते हो, इतना क्यों जाते हो। हाँ, और ये भी कह रहे थे इस बाइक और इतने सामान के साथ आप नहीं जा पाओगे, गिर जाओगे, कल भी 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। तो भैया डराया तो है उन्होंने, लेकिन बच्चे हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी थोड़ी ना है, हम आराम से जाएंगे धीरे धीरे। जहाँ टाइम लगना है 4 घंटे 8 घंटे लगा देंगे, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना है। और एक चीज़ की दिक्कत हो रहा है, अपना जो मेन स्टैंड है वो ऐसा हो रहा है कि टूटने को, बाइक उस पर वजन झेल ही नहीं पा रही, खतरनाक। चलो देखते हैं, जो भी है रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, डेंजरस। अभी तो पीछे बहुत भयंकर ट्रिप्ट हो रही थी बाइक, अब आगे का भी कुछ नहीं मालूम, आगे भी गिरे रिपट जाए तो बिल्कुल आराम आराम चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं किसी चीज़ की, बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली स्लोली, हमें गिरना नहीं है किसी भी हाल में। हाँ हालत ख़राब है लेकिन भयंकर वाली, देख सकते हो आप कितना ख़तरनाक रास्ता है, और इस पे इतने लगेज के साथ बाइक निकालना और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो सबसे बेस्ट तो यही होगा कि पैर रख रख के चलें, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। मैं पहले भी 2 बार गिरते गिरते बच चुका हूँ, रोड भी नहीं दिख रहा है, धूल उड़ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रास्ता है भाई। देख लो बाइक भी बंद पड़ गई, एक गलती और नीचे खाई में, दिख रहा है भयंकर खाई, देख के डर लग रहा है। हाँ डर तो देखो वैसे तो नहीं लगता, लेकिन वही है एलिवेशन वाला रहता ही है थोड़ा सा। बाइक कहीं की कहीं जा रही है, चला कहीं जाऊँ, जा कहीं और रही है। हाँ देख रहे हो क्या, धूल का गुबार उठ रखा है।